जीनियो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और इसीलिए हम आज आपको बीफ पर मचे बखेड़े के बीच में एक ऐसे मुस्लिम शख्स की कहानी दिखाने वाले हैं जो बीफ पर राजनीति करने वालों को प्यार भरा जवाब दे रहा है। ये मुस्लिम परिवार बीफ बैन की राजनीति का केंद्र है। बिसाड़ा गांव से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर धनकौर कस्बे में रहता है। पिछले 40 सालों से, ये आपको ध्यान से सुनना, पिछले 40 सालों से गायों की सेवा कर रहा है ये परिवार। बीफ बैन की राजनीति से जूझते दादरी के बिसाड़ा गांव से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर धनकौर में एक मुस्लिम परिवार गौ सेवा की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ कैसे आए? धनकौर की एक नौकरी पे आए हम। बचपन में शौक लग गया बच्चों में, हम नहीं पढ़ाई बैठाई पढ़ने के लिए बस से यहाँ आ जाते थे, बस बच्चों में लग गया, बस से धोखा देते बच्चों में लगे रहे। अच्छा, तो फिर तो यहाँ कैसे फिट हो गए? फिर गौशाला ही क्यों आए? मतलब गौशाला में आने की कोई वजह कि 10 साल की उम्र में बच्चा शौक लग गया बच्चों में, गाय के बच्चों से शौक लग गया। अच्छा, तो फिर गायों के बच्चे से बच्चों के साथ खेलते खेलते फिर यही रह गए। पढ़ भी ना पाए जी हम, इस चक्कर में शौक में बच्चों के संग फिर गाय संग लग गए। गाय से जुड़ाव शुरू से रहा? शुरू से रहा। अभी रहेगा जब तक सांस है जब तक रहेगा, जब तक बस की जब तक गाय की सेवा करी जाएगी, जब टिक जाएंगे मतलब यही होना। मैं कहने का मतलब ये है, शुरुआत यही हुई या नहीं होना। हबीब का परिवार पिछले 40 सालों से द्रोणाचार्य गौशाला में गाय माता की सेवा करता आ रहा है। 120 वर्ष पुरानी इस गौशाला में करीब 800 गाय और बछड़े हैं। इनकी देखभाल, साफ सफाई और सेवा का जिम्मा हबीब के परिवार ने बखूबी संभाला हुआ है। कैसे बीतता है सुबह से लेकर रात तक, दिनचर्या क्या रहती है, मतलब कैसा रूटीन रहता है, क्या करते हैं सुबह से उठते? बढ़िया रहता है, सुबह उठते हैं 3 बजे, न्याय करते हैं, सानी करते हैं, लूट काटते हैं, इनकी सेवा करते हैं, गोबर पानी करते हैं, ये काम करते हैं। तो आप भी करते हैं, पत्नी भी करती हैं, बच्चे भी? पत्नी यहाँ रहती है, मैं जंगल जाता हूँ गायों को लेकर। अच्छा, पत्नी यहाँ करती है, बच्चे यहाँ करते हैं। रुखसाना 16 साल की थी जब हबीब से उनकी शादी हुई। वो दिन है और आज का दिन। रुखसाना का जीवन पति के साथ गायों की सेवा करते हुए ही बीता है। निकाह यही हुआ? यही आ गई, सब काम यही हुआ। कैसा लगता है जब निकाह होके यहाँ आई थी, जब उस वक्त की हबीब साहब जब शुरू में आए तो अजीब सा लगे या, ये जो ना क्या काम कर रहे हैं यहाँ। जब सब देखते देखते सब प्यार मोहब्बत बन गई, फिर सब काम करते रहे हैं यहाँ। किसी हिंदू को मुसलमान को कोई ना मानते हैं, सब एक ही रहते हैं, खाना पीना बैठना उठना सब एक ही चीज है। द्रोणाचार्य गौशाला में हबीब के परिवार सहित करीब 25 लोग काम करते हैं, साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। हबीब को इलाके के लोग ग्वाला कहकर पुकारते हैं। अच्छा, इस गौशाला में एक तरफ जहां हबीब साहब हैं, दूसरी तरफ बाबूराम शर्मा जी भी हैं। तो हबीब साहब और शर्मा जी एक साथ ही यहां गायों की सेवा करते हैं। शर्मा जी, एक बात बताइए, आप कितने सालों से हैं यहां? मेरे को हो गए 5-6 साल। 6-1 साल हो गए। हबीब जी आपके साथ काम करते हैं? हाँ जी। तो कभी जैसे बाहर बात होती है हिंदू मुसलमान, हम सब एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं, एक साथ नहीं मानते, क्योंकि हम धर्मों से कहते हैं कि आप हिंदू हो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं आप हिंदू हो, ऐसे बात होती है। इस गौशाले में काम करते हुए कभी ऐसा लगा कि हबीब साहब उनका परिवार काम करता है, आप भी उनके साथ काम करते, तो थोड़ा अजीब लगता है कि? ना, बिल्कुल ऐसे नहीं, नहीं। बहुत बढ़िया लगते हैं जाने, एक दूसरे मिलकर रहते हैं और फिर करीब रिश्ता भी रहता है हमारा, ऐसे साढ़े बहनों का सा रिश्ता है, ज़्यादा एक परिवार की तरह ही रहते हैं सब। हाँ, एक परिवार की तरह रहते हैं, ये भी ना कि मुसलमान है मैं पंडित हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बात आती कहाँ से है फिर, बाहर जो बात आती है? वोटबारी करवाते हैं, जो करवाते हैं इलेक्शन में नेता लोग हुए। अच्छा राम अवतार जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ 800 गाय हैं, 800 गायों की सेवा करने वाले जो लोग भी हैं यहाँ, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। अब गायों को तो पता नहीं कि मेरी सेवा हिंदू कर रहा है कि मुसलमान कर रहा है, आप
क्या अनुभव करते हैं, क्योंकि आपके आसपास का स्टाफ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पंडित जी भी हैं, गुर्जर भी हैं। तो अनुभव तो यह है कि जो भी गाय की सेवा करेगा, कोई भी हो उसमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे पंडित हो, सबको उसका फल जरूर मिलेगा गायों की सेवा करना। और ये जो छोटे मोटे भैया होते हैं ना, जो नेता बंदे फिर रहते हैं, आज तक कभी कोई ये देखने के लिए आया कि इन गायों का क्या हो रहा है क्या नहीं? कोई एक गाय भी नुला करके देख लो, यहाँ जो करेगा, जो भी करेगा, हमारे कर्मचारी ही करते हैं। और वो तो सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए, केवल, और कुछ नहीं है उनकी राजनीति। घर में चाहे उनके रोटी ना बने, पर नेतागिरी जरूर झाड़ेंगे आकर के। तो मैं तो ये सब नेतागिरी के ही चक्कर में हो रहा है जो बिसाड़ा में हुआ। ये तो सब नेतागिरों के अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, तो हो क्या रहा यार। द्रोणाचार्य गौशाला हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है, जिसमें हबीब और रुखसाना अपने बच्चों के साथ गौ सेवा में मगन है। रुखसाना को तो बिसाड़ा गाँव में गौ हत्या पर मचे घमासान की खबर ही नहीं है, लेकिन गाय को अपनी माँ समझने वाले हबीब को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा है। ये अच्छी बात थोड़ी है, हम तो खुद होता है। सुना बिसाड़ा के बारे में? सुना जी, सुना तो है। क्या सुना? गलत है जी, ये अत्याचार की बात ही गौ की ओर जा रही है। हमको बुरा लगा ये बात करते हुए, हम लोग हैं जी, हम मुस्लिम नहीं है, हमें कोई और थोड़ी है जी, हम सेवा करते हैं। 10 साल की उम्र से गायों की सेवा में लगे हबीब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिसाड़ा गांव में जो हुआ उसके असली गुनहगार कौन है। नेता तो सारे पहुंचते हैं, तो नेता करवाते नहीं काम, और कौन करवाता? नेता तो कोई करवाते वोट के चक्कर में, फोटो खिंचवाने के चक्कर में, वोट गिरवाने के चक्कर में, वोट गिरवाने के चक्कर में। भले ही देश के नेता अपनी राजनीति पर बीफ पॉलिश करने में लगे, लेकिन जब तक हबीब जैसे लोग हैं तब तक नेताओं की नफरत वाली राजनीति हमेशा हारती रहेगी। जिंदगी इसी गौशाला में है, पूरी इसी में रहेगी जी, जब तक सांस है। यहाँ पर यही, जब तक सांस है जब तक यही रहेंगे। अब आज कुदरत के बाद क्या होगा। चलिए अब आपको हैदराबाद हम लेकर चलते हैं। यहाँ 150 मुस्लिम सदस्यों ने मिलकर एक गोरक्षा समिति बना रखी है और ये सभी गाय सेवा में जुटे हुए हैं। गाय को प्यार से चूमते प्यार करते, ये हैं हैदराबाद के अब्दुल्ला बिन अली बहामिद। इस मुस्लिम शख्स का मकसद गाय की रक्षा और उसका सम्मान करना है। दरअसल हैदराबाद के पुराने शहर के मुस्लिम परिवारों ने अरब गोरक्षा समिति नाम की एक संस्था बनाई है, जो पूरे तन मन धन से इन गायों की सेवा में जुटी रहती है। समिति में करीब 150 परिवार हैं, जो गौशालाओं में जाकर गाय को चारा भी खिलाते हैं और सेवा भी करते हैं। अगर जानवरों में अगर किसी ने अगर त्याग वाली मिसाल दी है, तो दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल गाय ने दी है, और गाय एक माता है। इनका अब गायों को थोड़ी ना पता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये तो इंसान को ही फर्क पता है और वो ही इस फर्क को गाता भी है।